सूचना मिली थी कि जांगिड हॉस्पिटल के पास एक पुरानी हवेली है, उसमें बाहर का ताला तो लग रहा है लेकिन अंदर एक साड़ी खंभे से ऊपर से बांध करके लटकी हुई है और चोरी की वारदात कोई या चोर अंदर हो सकते हैं। इस पर हम तुरंत ही जाप्ता लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। हमने इस चीज़ को खुलवा के चेक किया, चेक करने पे देखा कि एक कमरे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। दो दिन पहले भी इन लोगों ने हमें सूचना दी थी कि इसी तरह की कोई चोरी हुई है, ताला टूटा, लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ। इन्होंने जो बताया सामान बिखरा हुआ है, ताले भी टूटे हुए हैं। आज भी हम चारों तरफ से हमने देखा है पूरे घर को, पुरानी हवेली को, आस पास ऊपर नीचे चढ़ के, अभी तक हमें कोई ऐसे एविडेंस मिले नहीं है। फिर भी हम गहनता से जांच कर रहे कि ये सामान कैसे, कौन अंदर आया, कैसे आया, कौन लोग हो सकते हैं अंदर। एक कमरे में हमको ज़रूर फुटप्रिंट देख रहे हैं, उन फुटप्रिंटों को भी हम MOB की टीम बुला करके लेंगे और हम जल्दी इस बारे में तलाश करेंगे और जो भी होगा अनुसंधान से बिल्कुल हम साफ करते हैं। दो रोज़ पहले पता चला तो मैंने मेरे लड़के को भेजा था यहाँ जी, वो देख करके चला गया, वो पुलिस वगैरह आई थी वो भी देख करके चली गई। फिर परसों मैं खुद आया था और वो जो प्रदीप जी अपने हवलदार हैं उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो झुंड गए हुए थे, बोले मैं आ रहा हूँ करके, शाम तक नहीं आए। फिर मैं वापस चला गया, सिक्कर रहता हूँ मैं। फिर आज आया मैं, तो आज आया तो वो प्रदीप जी ने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन हमने रिपोर्ट लिख दी है, अब जब भी वो चोर पकड़ा जाएगा तब हम आपको बुला लेंगे। फिर मैं मकान पे आया, मकान को देखने के लिए भी क्या क्या नहीं है, तो मकान पे आया तो अंदर से ताला लगा हुआ, साँकली लगी हुई थी अंदर से। फिर हमने पुलिस को बुलाया और आगे की कार्रवाई। तो सर, तीन दिन पहले चोरी हुई थी और आज फिर हुई है। हाँ। और बताया जा रहा है कि अंदर जो तिजोरी है उनको भी मतलब छेड़ा गया, हिलाया गया उसको। हाँ। अंदर सब तिजोरी आलमारी सब छेड़ा गया है, तो आलमारी वगैरह तोड़ दी गई है और तिजोरी उनसे टूटी नहीं है। जो पहले जो मकानों के ताले बचे हुए थे उनको भी तोड़ा गया है क्या? आज तोड़ा गया है। तो ऊपर छत पे भी चार मकान है उनके भी ताले टूटे हैं चारों के, आज पहले नहीं टूटे थे आज टूटे हैं। और जो कुछ सामान है वो भी चोरी हुआ है क्या आज फिर से? आज तो वो देखने पे पता चलेगा, अभी देख रहा हूँ मैं। अच्छा, सामान देखने पे पता चलेगा। चलो ठीक है, धन्यवाद।